पश्चिम बंगाल की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राष्ट्रपति ने जोरासांको ठाकुरबाड़े स्थित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के घर जाकर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में ट्रांसपोर्ट इंडिया, 8वें स्मार्ट सिटीज इंडिया और 30वें कन्वर्जेंस इंडिया 2023 एक्सपो को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने किफायती और मध्य वर्ग के आवास कोष में 17 मार्च 2023 तक 2646 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। G20 के अंतर्गत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू हुई। यह बैठक पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर बढ़ने पर केंद्रित होगी।